क्लास 12, वेलकम टू टी एस एन स्कूल. चैप्टर सब्जेक्ट फिजिक्स एंड चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 7. ओके, मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. मोशन कंबाइंड पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. इसमें आता है आपका लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज फोर्स क्या होती है आपका, ये देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, क्यू ई. तो एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इजिकल्स टू एफ ई इजिकल्स टू क्यू ई. ओके, अब देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी वी आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और इसमें जो फोर्स है वो आपका क्या है, ऊपर की ओर लग रहा है. तो इसमें आपका फोर्स क्या लगेगा, एफ एम इजिकल्स टू क्यू वी साइन थीटा. क्यू वी बी साइन थीटा क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू वी क्रॉस बी साइन थीटा. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ आपकी, अंदर है. ठीक है, तो नेट फोर्स क्या लगेगी आपकी, एफ ई प्लस एफ एम. और इसी नेट फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स. एफ ई आपका क्या है, क्यू ई प्लस क्यू ब्रैकेट के अंदर वी क्रॉस बी. इट्स अ नेट फोर्स और इट्स कॉल्ड बी लॉरेंज फोर्स. ओके, अब देखिए इसके केसेस होते हैं. इसमें केस वन में पार्ट, केस वन आपका क्या, व्हेन ई इज परपेंडिकुलर टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है. इसमें फोर केसेस हैं. इस केस के अंदर भी फोर पॉइंट्स हैं आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं. क्यू चार्ज है आपका, वी वेलोसिटी से आपका लग रहा है फोर्स क्यू ई किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ. और जो इसमें चार्ज है वो क्या आपका रेस्ट में है, तो रेस्ट में आपकी कोई भी फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी. तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू ई. एक्सेलरेशन क्या होगा, ए एक्स क्यू ई अपॉन एम. ओके, तो जो आपका जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरफ जा रहा है. तो एफ एक्स ई इज इक्वल्स टू क्यू ई, ए एक्स इज इक्वल्स क्यू ई अपॉन एम. तो वी एक्स इज इक्वल्स टू, तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी. यू एक्स आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, जीरो. तो वी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम टी. ओके, इसमें वी एक्स क्या है, प्रोपोर्शनल टू टी. और उसमें ए एक्स क्या आपका कांस्टेंट है, हर जगह सेम ही है. अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा. इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है दोनों पैरेलल है, तो एंगल क्या आएगा, जीरो डिग्री. तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो. तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो. और इसमें जो आपका पाथ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ. मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ. इसका केस नंबर टू क्या है, इसी केस में दोनों पैरेलल हैं. इसमें केस टू क्या है, केस वन में टू नंबर क्या है आपका, अब आपका वाई और एक्स वही डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, पैरेलल हैं. चार्ज क्यू एम, इसमें वी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट. और फोर्स भी आपकी क्यू ई लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में. एफ ई इजिकल्स टू क्यू ई, एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन एम. इसमें लेकिन आपका इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है वी एक्स इजिकल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी. तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी वी नॉट प्लस क्यू ई अपॉन एम टी. ओके, आप जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, क्यू वी वी साइन थीटा. क्यू वी वी साइन थीटा यानी कि थीटा क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड और आपका वेलोसिटी है उनके दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा आपका, 90 डिग्री. तो जीरो साइन जीरो इजिकल्स टू जीरो. तो आपका एफ एम इजिकल्स टू क्या आएगा, ये भी जीरो ही आएगा. और इनमें जो पाथ बनेगा वो भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, पैरेलल है, तो उनके बीच का जो पाथ बनेगा वो भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ. ओके, इसमें आपका थर्ड केस, थर्ड नंबर पॉइंट है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं. क्यू और एम चार्ज, क्यू और एम वेलोसिटी का है, ऊपर की ओर 90 डिग्री एंगल पे है. फोर्स कहाँ लगेगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्यू ई. तो एफ ई इजिकल्स टू क्यू ई. और एक्सेलरेशन क्या होगा, क्यू ई अपॉन एम. जो फोर्स लग रहा है वो आपका एक्स डायरेक्शन में है, ए एक्स ई. तो वी एक्स इजिकल्स टू क्या होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी. इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, जीरो. क्या है, जीरो है. यू एक्स इजिकल्स टू जीरो, तो वी एक्स इजिकल्स टू क्यू ई अपॉन एम इंटू टी. अब देखिए आपका राइट हैंड साइड देखिए, पहले जो लाइन खींच के जो हमने लिखा उसको देखिए, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इजिकल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा.
जो v है वो आपका v नॉट है q v b साइन थीटा. इनमें क्या है, वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री आ रहा है. 90 डिग्री यानी कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1. तो एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा. अब इसमें जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन. अब देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फोर्स आपका इधर है, तो ये कहाँ जाएगा, जो वो आपका ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, अंदर की तरफ, यानी कि अंदर आपका कौन सा डायरेक्शन होगा, वाई जेड डायरेक्शन. तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका डेड डायरेक्शन में कितना आ रहा है, क्यू वी नॉट बी. ओके, अब ये जो क्या है वाई वाई एक्सिस पे क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा. तो इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर मोशन यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स. और जो इसका रेडियस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्यू वी नॉट एम वी नॉट अपॉन क्यू बी. रेडियस इसका फिक्स रहेगा एम वी नॉट अपॉन क्यू वी. अब इसका पाथ देखिए क्या बनेगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो स्ट्रेट लाइन में है, वो स्ट्रेट लाइन है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सर्कुलर मोशन है. तो ये दोनों मिलके इनके बीच का जो दोनों का आएगा वी नॉट, वो दोनों मिलके क्या बनेंगे, हेलिकल पाथ, जिसमें स्ट्रेट भी हो सर्कुलर पाथ भी हो. तो ऊपर देखिए हमने बनाए हुए हैं ऐसे इस तरीके से. तो ये क्या आपका दो उसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पी वन पी टू पी थ्री पिच. तो ये जो हेलिकल ये मोशन कैसा बनेगा, हेलिकल मोशन. और दो रिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पिच बोलते हैं. अब ये पिच क्या है, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगी, हर बार अपना पिच को क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी. जो वी एक्स होगा वो हर समय क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. तो यानी कि पिच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाएगा इस तरीके से, एक पी वन पी टू पी थ्री, यानी कि पी थ्री सबसे क्या है बड़ा, तो पी थ्री इज़ ग्रेटर देन पी टू इज़ ग्रेटर देन पी वन. और यानी कि ये क्या हो रहा है, हर समय चेंज हो रहा है, यानी कि वेरिएबल हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है. तो हेलिकल मोशन है, पिच क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल है, पिच क्या है, वेरिएबल है, हेलिकल मोशन विद वेरिएबल. ओके, अब देखिए इसमें फोर्थ नंबर क्या है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है. और जो वेलोसिटी है आपकी इस तरीके से है, इस वेलोसिटी के आपके दो कंपोनेंट है थीटा के साथ, एक नीचे आपका वी कॉस थीटा और ऊपर वी साइन थीटा, यानी कि वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है, वी नॉट साइन थीटा. तो जो इसमें एफ ई एक्स डायरेक्शन में लगेगा, एफ ई इज इक्वल्स टू क्यू ई लगेगा, क्यू और एम दो चार्ज हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, क्यू ई अपॉन एम इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसमें वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स अपॉन टी. अब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है आपके, इस तरीके से इस वी कंपोनेंट के, इस वी नॉट के दो कंपोनेंट होंगे आपका, एक थीटा के साथ वी नॉट कॉस थीटा और परपेंडिकुलर में वी साइन थीटा. तो जो वी नॉट कॉस थीटा है वो आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी. और ये क्या आपका एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सी डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा. अब देखिए आपका मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी वी साइन थीटा. और ये आपका जो है ये आपके फोर फिंगर्स इस तरीके से आएंगे और जो थंब आएगा वो कहाँ आएगा आपका, इसकी तरफ. तो जो आपका जो पाम आएगा वो अंदर की ओर आएगा, यानी कि जेड डायरेक्शन में. तो जो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो जेड डायरेक्शन में लगेगी, क्यू वी नॉट बी साइन थीटा. और ये मोशन क्या होगा, वही वाई डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन होगा. तो इसमें कौन सा आएगा, सर्कुलर मोशन. और जो रेडियस है एम वी नॉट की जगह वी नॉट साइन थीटा, जो है आपका राइट डायरेक्शन में, यानी कि इसमें जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, वी नॉट साइन थीटा अपॉन क्यू बी. और ये कैसा आएगा, सर्कुलर मोशन. एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन मोशन में और मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर मोशन में, यानी कि इनका अगर हम दोनों का एक साथ निकालते हैं तो वही सेम हेलिकल पाथ ही आएगा, यानी कि हेलिकल मोशन. अगर आप इस तरीके से देखिए, ऊपर एक फिगर बना हुआ है, इनके जो पिच है पी वन पी टू पी थ्री अगर सब जगह सेम है, कांस्टेंट है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो. क्या होगी, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो हेलिकल पाथ का जो मोशन होगा, यानी कि उन दोनों के जो इन सब के जो पिच होंगे पी वन पी टू हर जगह क्या होंगे, सेम होंगे. वेन कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो. वी एक्स इजिकल्स टू वी नॉट कॉस थीटा इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट. ओके, अब आपका क्या है, वी एक्स इजिकल्स टू दोनों का हमने वेलोसिटी ऐड किया, पहले वाले का कितना आएगा, वी नॉट कॉस थीटा प्लस और क्या आएगा, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी. वी एक्स यानी कि क्या आएगा, वी नॉट कॉस थीटा प्लस क्यू ई अपॉन एम टी.
वेलोसिटी वी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आपकी वी नॉट कॉस थीटा प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। अब इसमें जो पिच का आएगा वो क्या आएगा आपका हर जगह वेरी करेगा, क्या करेगा वेरी करेगा, पी वन पी टू पी थ्री इज ग्रेट पी थ्री इज ग्रेटर देन पी टू इज ग्रेटर देन पी वन, यानी कि इसमें जो पिच होगा वो क्या करेगा वेरी करेगा, तो इसका जो हेलिकल मोशन होगा वेरिएबल पाथ जो ऊपर वाले में आया था ना अभी अपना ये वाला हेलिकल मोशन विद वेरिएबल पी थ्री इज ग्रेटर देन पी टू इज ग्रेटर देन पी वन वेरिएबल पाथ हेलिकल मोशन। तो ये आपके केस वन के फोर पॉइंट्स हो गए, दो जिसमें दो में आपका क्या आया था स्ट्रेट लाइन पाथ एंड थर्ड वाले में हेलिकल पाथ एंड फोर्थ वाले में भी आपका हेलिकल पाथ जिसमें आपका एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है उसमें आपका आया था स्ट्रेट लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड जो आपके डेड डायरेक्शन में है उसमें आया था आपका सर्कुलर, इन दोनों को मिला के आपका क्या बना हेलिकल पाथ। अब आपका इसमें है केस टू व्हेन ई इज परपेंडिकुलर बी, जब ई और बी दोनों आपस में क्या हो परपेंडिकुलर हो, इसके तीन पॉइंट्स हैं आपके वी इज परपेंडिकुलर ई एंड वी इज परपेंडिकुलर बी एंड ई इज परपेंडिकुलर टू बी, ये तीन पॉइंट तीन मतलब इंपॉर्टेंट केस हैं। इसमें देखिए हमने ऊपर एक लाइन है एक पॉजिटिव लाइन नीचे इन्फिनिटी तक है आपका और हमने ये आपके ऊपर ये क्या है आपके एरो लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके नीचे की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड हमने जो क्रॉस करके बनाया है क्रॉस इनवर्ट्स जो क्रॉस लगे यानी कि इनवर्ट्स है आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनवर्ट दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर हैं। आपका क्यू चार्ज है वी वेलोसिटी से आगे हो रहा है जहाँ स्लिट लिखा वी वेलोसिटी से आगे हो रहा है वो आप देखिए जो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो क्या लगेगी क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि क्यू ई आपका फोर्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स लगता ही है क्यू ई। आप देखिए जो ये क्यू ई है वो आपका क्या है फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे की ओर माइनस के वाई डायरेक्शन में, इधर देखिए आपका इधर हमने एक्स वाई राइट हैंड साइड में एक्स वाई और जेड बना रखे हैं जो आपका फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है नीचे की तरफ। देखिए आप ये फोर फिंगर्स को आप इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए और जो वेलोसिटी है उसको थंब की तरफ करिए तो आना यानी कि आपका इस तरीके से हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा आपका देखिए इस तरीके से तो आपकी जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है नीचे की ओर कहाँ लग रही है नीचे की ओर यानी कि नीचे की ओर माइनस के वाई डायरेक्शन में तो जो माइनस के वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ई। अब मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या है मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये आपके क्या है ऊपर की ओर लगेगी इस तरीके से करोगे तो ये क्या लगेगी आपकी ऊपर की तरफ लगेगी तो ऊपर की तरफ आपके कौन सा डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन यानी कि प्लस वाई डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी और ये दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है यानी कि साइन थीटा आपका 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 तो यानी कि इधर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी वो माइनस वाई डायरेक्शन में और वो ऊपर के वाई डायरेक्शन में। इधर देखिए हमने बीच में एक चार्ज बना रखा है क्यू ऊपर आपका मैग्नेटिक फोर्स नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आपस में अपोजिट हैं इक्वल है मतलब दोनों आपस में अपोजिट हैं यानी कि आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कैंसिल आउट और सीधे आपका क्या है वी नॉट अगर आपका कोई यहाँ पे स्लिट हो तो वी नॉट आपकी सीधे वेलोसिटी निकल सकती है। अब इसमें आपके तीन केस बनते हैं फर्स्ट केस इज इफ ई एफ ई इज ग्रेटर देन एफ वी तो क्यू ई इज ग्रेटर देन क्यू वी वी तो इसमें जो वी नॉट है आपका वो तो इधर ही है और जो आपका वो जो फोर्स है वो कहा नीचे की है तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। ये देखिए हमने फिगर में भी बना हुआ डाउनवर्ड पैराबोला ओके। अब इफ केस सेकेंड केस क्या है एफ ई इज लेस देन एफ वी अगर लेस देन है तो क्यू ई इज लेस देन क्यू वी वी तो वी नॉट तो आपका वही है लेकिन इसमें फोर्स कहाँ चली गई आपकी ऊपर की ओर प्लस के वही डायरेक्शन में तो इसमें क्या बनेगा अपवर्ड पैराबोला क्या बनेगा अपवर्ड पैरा। अब जो आपका इंपॉर्टेंट थर्ड केस है अगर दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स दोनों क्या होती हैं इक्वल हो जाती हैं तो क्यू ई इज इक्वल्स टू क्यू वी नॉट बी क्यू से क्यू आपका क्या हो गया कैंसिल तो वी नॉट इज इक्वल्स टू ई अपॉन बी ये इसको इसी को ही हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर ठीक है वेलोसिटी सेलेक्टर यानी कि वेलोसिटी इस मतलब स्लिट से आपकी क्या हो रही है बाहर जा रही है कलेक्टर है तो इसी को हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर एक कुछ ऊपर जा रही है जिसकी वेलोसिटी क्या है ये एफ ई जिसका ज़्यादा है उसका क्या आ रहा है डाउनवर्ड और जिसका एफ ई ज़्यादा कम है उसका क्या जा रहा है अपवर्ड पैराबोला और कुछ जहाँ दोनों इक्वल हैं तो वो निकल के बाहर जा रही है दैट कॉल बी वेलोसिटी सेलेक्टर और इसका क्या होगा पाथ कैसा होगा स्ट्रेट पाथ कैसा होगा स्ट्रेट पाथ ओके। अब इसमें केस टू में ही ये पॉइंट नंबर वन थे अभी किसी इसी केस में देखिए व्हेन ई इज परपेंडिकुलर टू बी
एंड चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज क्या है रेस्ट में है एट ओरिजन। अब देखिए आपका एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, आपका क्यू चार्ज और एम आपका मास किस में है, रेस्ट में है। रेस्ट में है तो कोई भी उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगी क्यू ई, और वो आपके ऊपर की ओर ही लगेगी प्लस वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और जो डेड डायरेक्शन में बी इजिकल्स टू क्या है, बी नॉट के। अब आपके इसके जो फिगर ग्राफ आएगा वो देखिए आपका कैसा है, आपका जो एक्स डायरेक्शन में वो तो आपका सर्कुलर पाथ में आ रहा है, क्या आ रहा है आपका सर्कुलर पाथ में, लेकिन जो वाई है जैसे ही वो नीचे की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर की ओर ले जाएगी, तो उसको नीचे जाने ही देगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो आपका जो इस तरीके से ग्राफ बन के आएगा, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, और इसको हम क्या बोलते हैं साइक्लॉइड, क्या बोलते हैं साइक्लॉइड। ये क्या है, व्हेन ई इज परपेंडिकुलर पी बी एंड चार्ज इज एट रेस्ट एट ओरिजन, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर की ओर खींचेगी, और एक्स वाले में क्या बनेंगे उसके सर्कुलर मोशन बनेंगे, तो वो सर्कुलर मोशन बनाएगा, लेकिन जैसे ही वो वाई में नीचे की तरफ आएगा लेकिन वो वाई उसको ऊपर की ओर अपनी ओर स्ट्रेट करेगा, तो वो उसको नीचे जाने ही नहीं देगा, तो इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा, जिसको हम बोलते हैं साइक्लॉइड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।